I mean, if somebody tries to, I mean, आपको नीचा दिखाना चाहता है कोई, but लेकिन it's okay, आप कैसे फिर भी खड़े रहना चाहेंगे? देखो पता है क्या है, अगर कोई भी आपको नीचा दिखाना चाह रहा है तो उस टाइम पे आपको दो चीजें करनी है. सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि पहले एकदम से अपने दिमाग को बंद नहीं करना. मतलब कि ये जो हम देखते हैं ना ब्लैक और व्हाइट, कि अगर वो बंदा मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब बेकार आदमी ही है या वो गलत ही कर रहा है. तो सही गलत में नहीं जाना अपने को. सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वो चीज वो कह रहा है तो हो सकता है उसमें कोई चीज सच भी हो, है ना, और कोई चीज सही भी हो जिससे हो सकता है हमारा ही कुछ फायदा हो. क्योंकि आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, कुछ दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो आपको मिलेंगे. एक वो जो आपके मुंह पे आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, पीछे से आपके बारे में उल्टा बोलेंगे. देन टू, जो आपके मुंह पे आकर के आपको उल्टा बोल देंगे कुछ भी, मतलब जिसको हम बोलते हैं नीचा दिखाना, या आकर के पब्लिक में सबके सामने आपको बोल देंगे या क्या बेवकूफ आदमी है या ये है वो है वट एवर इट इज. तो अगर वो आपको बोल रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने अंदर जाकर के देखो, वो आपकी अपने अंदर की एक कमी है जिसको बार बार ना पिंच चुभो रहे हैं. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैं बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इसको कब फेस किया. जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ना उसमें क्या होता था, और मेरे ख्याल सभी के स्कूल में यही होता है कि आपस में एक दूसरे का मजाक बहुत उड़ाते हैं. होता है ऐसा ऑफिसेज में और स्कूल में कि एक मुर्गा मिल जाता है उसको पकड़ करके सारे बस उसकी हालत ख़राब कर देते थे. तो वो मुर्गा मैं बनता था हमारे स्कूल में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोलता नहीं था, मैं थोड़ा चुप चुप रहता था और ज़्यादा ना किसी से बात करता था. तो मेरा एक प्रॉब्लम था कि मेरी जो उंगली है ना ये मुड़ती नहीं है. मेरे को बचपन में एक चोट लगी थी, यहाँ पे एक नस कट गई थी हाथ की, जिस वजह से उंगली मुड़ती नहीं है. तो मेरे को स्कूल में ना सब लोग जितने भी बच्चे थे और जो मेरे दोस्त थे वो चिढ़ाते रहते थे उंगली उंगली कह करके. ओ उंगली आ गया, उंगली आ गया, उंगली आ गया. वो कहते थे ये ले घी निकालियो जरा. लिटरली यू कांट इवन इमेजिन. एक दिन एक बंदा घी खरीद के लाया था, एक लीटर का एक कैन खरीद के लाया, काट करके कहता निकालियो जरा घी. कहता नहीं इस उंगली से नहीं, अपनी इसी उंगली से निकाल. तो आप सोच के देखो मेरी क्या हालत होती होगी. मैं ना लड़ता था लोगों से, मैं इरिटेट हो जाता था ऐसे लोगों से. मैं लड़ता इन द सेंस कई बार तो बातों से लड़ता था, कई बार हाथों से भी लड़ाई हो जाती थी. मतलब इरिटेट हो जाता था, और जितना मैं इरिटेट होता था उतना ही मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ती थी, उतना ही वो लोग और मेरे पे हावी होते जाते थे. मतलब मेरे पीछे से तो मजाक उड़ाते थे, जैसे मैं सामने आता था तो आकर के मन ही मन हंसते रहते थे और बोलते रहते थे. पहले एक चीज़ थी, अब उनके पास में 10 चीज़ें थी, 10 टॉपिक्स थे किसी भी चीज़ को लेकर के, बस मजाक उड़ाना, जिसको बोलते हैं मेरे को नीचा दिखाना, मेरे बारे में उल्टा बोलना. तो वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी. फिर धीरे धीरे मेरे को चीज़ें समझ आने लगी, और मुझे ये समझ आया, मैंने कहीं पे पढ़ा एक बुक में, स्कूल टाइम तक तो मेरा ये प्रॉब्लम चलता रहा, स्कूल टाइमिंग के बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक जगह पे पढ़ा कि अगर आपको अपने आप पे हंसने में मुश्किल होती है तो सामने वाले आप पे आसानी से हंस सकते हैं. If you find it difficult to laugh at yourself, others will find it easy to laugh at you. जब मेरे को ये चीज समझ आई तो मैंने अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू करे. मैंने क्या करना शुरू किया, अपना ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. उसके बाद में मैं दोबारा मिलता था अपने उन स्कूल के फ्रेंड से, तो जैसे ही मैं जाता था तो मैं खुद का मजाक उड़ाता था. अगर वो एक चीज बोलते थे तो मैं अपने बारे में 4 चीजें बोलता था. मैं बोलता था देख यार सिर्फ ये ही नहीं, मेरे तो ये भी प्रॉब्लम है, देख मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करी यार, मैं तो अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब जा करके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. उन्होंने कहा यार क्या इसके साथ तो मजा ही नहीं आता, ये रिएक्ट ही नहीं करता. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला कि बजाय उस चीज को उल्टा लेने के, तो प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, उनका तो वो जो काम था वो कर रहे थे, प्रॉब्लम मुझ में थी क्योंकि मैं रजिस्ट कर रहा था उन चीजों को. तो जैसे ही मैंने रजिस्ट करना बंद किया वो चीजें भाग गई, सारी गायब हो गई. आज मैं उन दोस्तों से मिलता हूँ, आज भी अगर मैं उनके साथ में बैठता हूँ मैं अपना मजाक उड़ा रहा होता हूँ, वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे होते. मैं खुद बैठ करके अपना मजाक उड़ा रहा होता हूँ हर एक पॉइंट के ऊपर, कि देख मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कितना गधा हूँ, क्या क्या मैंने बेवकूफियाँ कर रखी हैं, देख मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, इसलिए कोई मेरे पे नहीं हंसता. और आज जो अपने आप पे नहीं हंस रहा उस पे सारे हंस रहे हैं, उसको सबने पकड़ रखा है. तो यही दुनिया का उसूल है यार. नेक्स्ट क्वेश्चन.
चिरंजीत बैरिक एज 20 इयर्स या ओके समय जो करता हूँ वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये सही कर रहा हूँ कि गलत कॉन्फिडेंस नहीं होता अगर मैं आपको सच बताऊँ सच मतलब झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको कहा है जो मैं बोलूंगा दिल से बोलूंगा घुमा फिरा के नहीं ये सोच के नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ आज मैं भी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें करता हूँ आज भी इतना सब करने के बाद भी और कई बार मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है मतलब अगर कोई भी आपको ये बोलता है ना कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मैं हर चीज़ में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ तो वो झूठ बोल रहा है आपको कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे हो कॉन्फिडेंस की कमी सबके अंदर है और वो कॉन्फिडेंस कब आता है अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं ये बहुत ब्रॉड वैसे क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको एक किसी सिचुएशन के अंदर बता देता हूं कि कैसे आता है कॉन्फिडेंस पहले किसी भी चीज को आप छोटे से छोटे लेवल पे सोचो कि आप क्या कर सकते हो छोटे से छोटे लेवल पे और उसको कर दो वहां कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत नहीं है ना कोई प्रॉब्लम है एवरीबडी एग्री यस और नो यस फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना चाहते हो आप लाइफ में व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू आर्मी में जाना चाहते हो ओके सो देखो इफ यू वांट टू गो इन आर्मी तो आर्मी का सबसे पहला स्टेप क्या है सबसे पहला क्या है कि आर्मी के बारे में पढ़ने लग जाओ उसमें तो कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है जैसे जैसे आप और उसके अंदर जाते जाओगे आप केस स्टडीज पढ़ोगे आप लोगों की पढ़ोगे कि वो कैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे ही कुछ लोग किस तरीके से कहाँ कहाँ से निकल करके कैसे आर्मी में गए क्या किया उन लोगों ने तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब अंदर से आपकी आवाज आने लग जाएगी जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं और जिस दिन वो आ गई तो आप चाहोगे भी तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे ज्यादातर लोग ना उस स्टेज तक पहुंचते नहीं है पहले ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं मोटिवेशन फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि कई बार कुछ करने का मन करता है और उस टाइम तो बड़ा होता है कि यार करना है एकदम से चार्ज अप हुए सपोज इस सेशन से निकलने के बाद एकदम से चार्ज अप हुए और जा करके बोला कि यार मैं देख कल ही करता हूँ चार दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ वापस से हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए क्योंकि दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन अभी अंदर से आवाज नहीं आई है वो एक हल्का सा एक स्पार्क हुआ और आपने कहा कि करना है जितनी तेजी से ऊपर उठे उतनी तेजी से नीचे भी आ गए तो आपको पहले अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि अंदर से ऐसी एक अर्ज आए कि वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाए देखो मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है मोटिवेशन में है कि आप करना चाहते हो लेकिन कोई है जो आपको रोक रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे इंस्पिरेशन में क्या होता है कि आप अपने आप को रोकना चाह रहे हो कि यार मैं किसी तरीके से रुक जाऊं मैं नहीं करूंगा मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता लेकिन फिर भी आप नहीं रोक पाओ अपने आपको दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और जिस दिन वो स्टेज आ गई ना तो उस दिन बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा सब कुछ अपने आप आ जाएगा दैट इज द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन नेक्स्ट वन ओके महेंद्र कुमार 23 मेरा कोई डाउट नहीं है मैं लाइफ अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ चलो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय कलरफुल इंटरेक्शन राइट नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट अभी शादी नहीं हुई ना नहीं हुई तभी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ श्रीवास्तव 17 इयर्स सर मेरे पास भी कोई डाउट नहीं है मैं भी हैप्पी हूँ पर मैं ये सोचता हूँ कि आज जो इंडिया के पास पावर है वो यूथ पावर है जैसा कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप इस यूथ को ऐसे सजेशन दें कि ये इंडिया को ग्रोथ करने में हेल्प करें ताकि उनका ग्रोथ हो प्रॉब्लम क्या है हम ना इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचते रहते हैं मतलब वी थिंक कि इंडिया ग्रो हो जाए मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ अपने आप की ग्रोथ के बारे में सोचो अगर आप फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली मतलब कि अपने माइंड से भी और फाइनेंशियली भी अगर आप ग्रो हो गए तो इंडिया अपने आप ग्रो हो जाएगा यार अगर आप फाइनेंशियली हो गए लेकिन अपनी सोच में नहीं हुए तो इंडिया कभी ग्रो नहीं हो सकता दोनों तरीके से हमको ग्रो होना है दोनों तरीके से मतलब दिल भी बड़ा करना है अब पता है क्या है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर दुनिया अच्छी होगी तो उन लोगों की वजह से जिनके पास में पैसा ज़्यादा है या ख़राब होगी तो उन लोगों की वजह से जबकि ये सच नहीं है हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है उसके पास में तो पैसा है ना वो दे सकता है वो डोनेशन कर सकता है मैं आपको ऐसे लाखों लोग दिखा दूंगा इंडिया में जो महीने का 20,000 रुपये या 30,000 रुपये कमाते हैं और उस कमाई में से 500 रुपये निकाल करके किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए दे देते हैं
कितने दिखा दूंगा कितने, और दूसरी तरफ मैं आपको ऐसे कितने लोग दिखा दूंगा जो करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं और किसी को 100 रुपए भी नहीं देते। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है फाइनेंशियली, इससे फर्क पड़ता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। तो अगर करना है तो अपने दिल को बड़ा करो, अपने दिल की सुनो, दिल की सुनो, तभी तो मैं बोलता हूँ बार बार दिल की सुनो। दिल की अगर सब लोग सुनने लग गए ना इंडिया में, तो इंडिया अपने आप बदल जाएगा यार, अपने आप बदल जाएगा, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जीवन गुप्ता 34 इयर्स, हु इज ही? हाँ, ओके ओके। आई यूज टू ओपन अ सैलून। अच्छा। आई ट्राइड, आई ओपनड ट्वाइस एंड आई फेल्ड इन इट। देखिए, अगर मैं आपकी जगह आऊंगा ना और वो मैंने सैलून खोला और वो नहीं चला, तो जैसे ही वो फेल होगा मैं क्या करूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखो, सुनने में बड़ा अजीब लगने वाला है, और मैं ये चीज करता हूं, प्रैक्टिकली करता हूं। जब भी मैं कोई ऐसी चीज करता हूं जहां मैं बुरे तरीके से फेल होता हूं, बुरे तरीके से, जब लगता है कि यार ये तो सक्सेसफुल होना ही था, जब आपने सैलून खोला होगा आपने सोचा होगा कि ये तो कामयाब होगा ही होगा और फेल हो गया, तो आदमी टूट जाता है अंदर से। मतलब कोई भी हो, मैं भी टूट जाता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई दूसरे प्लैनेट से आया हूं, मैं नहीं टूटता, टूट जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं टूटता हूं, मैं वापस से खड़ा हो जाता हूं और मैं बोलता हूं कि यार बस मैंने हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो जाए। उठ करके वापस से खड़ा होता हूं और खड़ा होकर के अपनी जो स्पीड है उसको मैं और बढ़ा देता हूं। मतलब जब भी कोई फेलियर आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो उस टाइम पे मैं अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके, पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके हर तरफ से अपने आप को फैला के, और मैं इतनी तेजी से बाउंस बैक करता हूँ कि पहले जिस लेवल पे मैं था और जब जाकर के फेल हुआ, अगली बार में उससे कम से कम 10 गुना ऊपर लेवल पे पहुंच जाता हूँ। आप कभी नोट करना इस चीज को कि जब फेलियर होता है तो हमारे पास यही दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि हम जा करके आराम से बैठ जाएं और हम बोले कि यार बस हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता, या अपने उस ड्रीम को छोड़ दें। दूसरा है कि अगर हम फेल हुए तो अब हम उसकी ना पोस्टमार्टम शुरू कर दें अच्छे तरीके से, कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ। मतलब बजाय ये बोलने के कि यार मेरी किस्मत खराब है या इस वजह से ये हुआ, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे कहीं ना कहीं कोई चीज कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, और उसको अंदर से इकट्ठा करके, अंदर से उस चीज को बाहर ला करके और उसको करो दोबारा से, आई एम 110% श्योर कि आप सक्सेसफुल हो गए होंगे। जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है तो कोई बड़ी सक्सेस जरूर आती, जरूर आती है। तो बस एक नजरिया है देखने का, जो मैं बोलता हूँ ना, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो सिर्फ उस चीज को समझना है कि कुछ आपने सीखा है वहां से। मतलब आप उन लोगों से तो बहुत आगे निकल चुके हैं जो आज सैलून खोलने वाले हैं, क्योंकि वो 2 बार फेल नहीं हुए, तो आपको पता है कि किस वजह से फेल होते हैं। उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है जो खोलने वाले हैं, राइट? तो आप उनसे तो बहुत आगे। चलो, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाइस।